नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश की हमारी एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम ए टू जेड, इसका मतलब है कि हम जो भी बेसिक पॉइंट्स होंगे बेसिक टू हाई, हम वो आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड आई होप ये जो वीडियोज होंगी, जैसा आपने पिछली वीडियोज में प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, और उम्मीद है कि इन वीडियोज में भी आप ऐसे ही करेंगे, आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे और आपके जो विचार हैं, आपके जो रिव्यूज हैं, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने रिव्यूज जरूर दें, व्यूज जरूर दें। तो अभी आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हम किस में लिखते हैं? रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। रोमन जो लिपि है उसके अंदर इंग्लिश को लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश को किस लिपि में लिखा जाता है? वो है रोमन। रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश को लिखा जाता है। हिंदी को देवनागरी, संस्कृत को देवनागरी, पंजाबी को गुरुमुखी। तो इस तरह से जो लिपि होती है वो इंग्लिश की क्या है? रोमन लिपि। इसके बाद जो हमारे ए टू जेड होते हैं, ये कितने होते हैं? 26 हमारे ए टू जेड होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है मेन, वो क्या है? लेटर वर्सेस अल्फाबेट, कि जो लेटर है और अल्फाबेट है उनमें क्या अंतर होता है। तो इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि लेटर क्या है। व्हाट इज अ लेटर? जो एक लेटर होता है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, लेटर ए एक लेटर हो गया, बी एक लेटर हो गया, सी एक लेटर हो गया, या आप बोल सकते हैं वन फ्रॉम 26। 26 जो हमारे ए टू जेड है, अगर उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? लेटर होगा। लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट बोल देते हैं। ए अल्फाबेट है, बी अल्फाबेट है, सी अल्फाबेट है। तो वो साथियों बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं होता। अभी आपको मैं ये सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। और जो ये हम लेक्चर ले रहे हैं, ये जो क्लास करा रहे हैं, ये इसीलिए कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो लेटर का मतलब क्या होता है यहां पे? लेटर वर्सेस अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। तो आप ध्यान दीजिए, जो अल्फाबेट है ना, जो अल्फाबेट्स होता है, अल्फाबेट्स तो कुछ होता ही नहीं है। लेटर अल्फाबेट ये दो होंगे यहां पे, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है वर्ण। वर्ण जो हमारा ए बी सी डी ई एफ कुछ भी, मतलब एक की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? वर्ण होता है। और जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं, ध्यान दीजिए, अल्फाबेट्स बिल्कुल नहीं होगा। जो अल्फाबेट होता है वो क्या होता है? वर्णमाला। मतलब लेटर क्या होता है? वर्ण, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी ये इनमें से एक की हम बात करें तो वो क्या होता है? लेटर, मतलब वर्ण। और इसके बाद जो अल्फाबेट होता है वो क्या होता है? वर्णमाला, मतलब वर्णों की माला। आप समझ सकते हैं 26 जो हमारे लेटर होते हैं, 26 जो हमारे लेटर होते हैं ए बी सी डी, इनकी एक माला, इनका एक ग्रुप। ए टू जेड जो 26 है, ये क्या है? एक माला बन गई। और ये क्या होता है? अल्फाबेट बोलते हैं। मतलब ए टू जेड ये क्या हो गया? अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। तो आप ध्यान दीजिए, ए टू जेड ये क्या है? वर्ण माला, वर्णों की माला। ठीक है, और उसमें कौन से हैं? ए बी सी डी, ये क्या हो गए? वर्ण। तो उन वर्णों को मिला के, क्योंकि आपको पता है माला एक से तो बनेगी नहीं। अगर हम कहने लगे ए क्या है? अल्फाबेट हो गया, नहीं। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, पूरा एक ग्रुप, ए टू जेड जो है उसे हम बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, और जो लेटर होता है वो वर्ण होता है। मतलब एक एक ही अगर हम बात करें, क्या हो गया? लेटर। मान के चलो हम बोल रहे हैं जे, जे क्या हो गया? लेटर हो गया। लेकिन
जे को अगर हम बोलने लगे अल्फाबेट तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो अल्फाबेट होता है ए टू जेड का ग्रुप, मतलब जो पूरे हमारे ए टू जेड होते हैं, वर्णमाला जो होती है, वर्णों की जो माला होती है, और माला एक से नहीं बनती, माला क्या है एक एक को जोड़ के बनती है, एक की माला नहीं होती, माला कितनों की होती है, ज्यादा की होती है। अगर हम एक को बोले वर्ण, ठीक है, वो क्या होगा वर्ण, और वो क्या है लेटर, और इसके बाद ए बी सी ये क्या हो गए लेटर्स हो गए। तो आप समझ गए होंगे ए अल्फाबेट नहीं होता, ए लेटर होगा, बी लेटर होगा, लेकिन जो हमारे ए टू जेड होंगे वो क्या होंगे अल्फाबेट होंगे, मतलब लेटर वर्ण और अल्फाबेट वर्णमाला, उनकी एक माला, जो बहुत सारे मतलब 26 लेटर्स हैं जो उनकी एक माला, उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो साथियों आई होप ये आपको समझ आया होगा, समझ आया हो तो जरूर अपने व्यूज दीजिए, कमेंट करिए, बताइए कि क्लास कैसी लगी हो। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए चैनल से जुड़े। सो जय हिंद।